बचपन में आपने ऐसे मिनी कंसोल्स जरूर ट्राई किए होंगे जिनमें यूजुअली टेट्रिस गेम डाल के आता था। ऐसे ही हैंडल्ड कंसोल्स आज के जमाने में इतने पावरफुल हो गए हैं कि आप RDR2 जैसे ट्रिपल ए गेम्स भी खेल सकते हो उनमें। और कितना बढ़िया है भाई कि आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, सोफे पे लेट के खेल सकते हो इन गेम्स को। बाकी छोटे स्क्रीन की तो सबको आदत पड़ चुकी है, ज्यादातर लोग मोबाइल पे देख रहे हैं नेटफ्लिक्स वगैरह। तो आज की वीडियो में मैं कुछ बढ़िया हैंडल्ड कंसोल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। और ये बाइंग रिकमेंडेशन या फिर कोई गाइड नहीं है, बिकॉज मैंने कोई प्रैक्टिकली यूज करके नहीं देखे, बस आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि इंडिया में हैंडल्ड कंसोल्स की बात थोड़ी कमी होती है। सबसे पहले बात करते हैं स्टीम डेक की, जिसके बारे में शायद बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा। काफी मस्त हैंडल्ड कंसोल है जिसे वैल्व ने ही बनाया है और ये सीजा लाया है। एंड वैल्व वही कंपनी है जिसने CS:GO और हाफ लाइफ जैसे गेम्स बनाए थे, एंड इवन स्टीम का ओनर भी वही है। तो आप समझ ही चुके होंगे कि पीसी गेम तो खेल ही सकते हो इस पे। मतलब ये समझ लो कि पूरा गेमिंग पीसी दे दिया आपको आपके हाथों में, क्योंकि इसमें 4 कोर का CPU है, 8 कोर का GPU, 16 GB की रैम और 512 GB तक की स्टोरेज है, 7 इंच की 60Hz की IPS डिस्प्ले है और इवन प्रॉपर जॉयस्टिक्स एंड कंट्रोल्स भी हैं गेम खेलने के लिए। और भाई आप इस पे वो सब गेम्स खेल सकते हो जो पीसी पे खेलते हो, लाइक RDR2, गॉड ऑफ वॉर, स्पाइडरमैन, GTA 5। मतलब विश्वास नहीं होता कि इतना पोर्टेबल डिवाइस ये सब कर पा रहा है। इवन आप विंडोज 11 तक चला सकते हो इस पे। अब नहीं, इस पे कोडिंग करने का मत सोचना, ऐसा नहीं है कि चिंटू स्टीम डेक पे ऐप बना देगा, बट हाँ बहुत सही टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ $400 से शुरू होती है। टेक्निकली 30,000 से 32,000 रुपए पड़नी चाहिए इंडिया में, बट इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं है इसलिए बाहर से इंपोर्ट करानी पड़ती है जिसमें डबल रेट्स पड़ते हैं। बाकी हाँ अभी इसमें कुछ कमियां जरूर है, बट ये सोचो कि ये फर्स्ट जनरेशन है एंड आगे के iterations में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकती है। Nintendo Switch हैंडल्ड कंसोल्स का बादशाह है एंड सबसे पॉपुलर भी। आप इसे कहीं पे भी ले जा सकते हो गेम्स खेलने के लिए, एंड अगर घर पे हो तो टीवी स्क्रीन के साथ डॉक भी कर सकते हो। स्पेक्स की बात करूं तो NVIDIA का कस्टमाइज्ड टेक्रल प्रोसेसर मिल जाता है, 32 GB की स्टोरेज एंड 4 GB की रैम। अब हाँ पीसी यूजर इसको पैथेटिक बोलेंगे, बट हैंडहेल्ड के हिसाब से सही है। और इसमें निंटेंडो के काफी अच्छे गेम्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक लेजेंड ऑफ जेल्डा, सुपर मारियो ओडिसी, एनिमल क्रॉसिंग्स, एंड ये सम ऑफ द बेस्ट गेम्स में से एक है। इसके अलावा दूसरे पब्लिशर्स के भी गेम्स आपको इसमें मिल जाएंगे, फिर चाहे वो माइनक्राफ्ट हो, विचर 3 भी आ गया है, Assassin's Creed Ezio Collection भी रिसेंटली ही आया है। और अब तो माइक्रोसॉफ्ट भी कह रहा है कि भाई एक्टिविजन के हाथ आ गया ना तो COD को भी स्विच पर ला देंगे। इंडिया में स्विच ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी काफी बिकता है एंड गेम्स भी लोग चला ही लेते हैं जुगाड़ से। वैसे अब तो लोग वेट कर रहे हैं Nintendo Switch Pro का, लेकिन उसकी जगह हमें पकड़ा दिया गया स्विच OLED। नाम से पता लग गया होगा कि स्क्रीन इंप्रूव्ड है एंड छोटे मोटे चेंजेस है, बट देखते हैं कि जब स्विच प्रो आएगा ना तब वो कैसा होगा। OneX Player 2 बस कुछ टाइम पहले ही अनाउंस हुआ है एंड ये सक्सेसर है OneX Player का जो कुछ साल पहले लॉन्च हुआ था। बीच में कुछ और वेरिएंट्स लाइक OneX Player Mini और OneX Player 1S भी आए थे। इसके स्पेक्स की बात करूं तो 8.4 इंच की IPS डिस्प्ले है, Ryzen 7 6800U का CPU, 65.5 वाट की बैटरी और अप टू 32 GB की रैम। ये अच्छा कॉम्पिटिशन दे सकता है स्टीम डेक को। पहले इस पे आप सभी पीसी गेम्स खेल लोगे, फिर चाहे वो GTA 5 हो, Maxman 3 हो या फिर God of War। अभी खैर इसके रिव्यू सामने आएंगे कि कैसा है, बट जो पहले वाला था ना वो काफी अच्छा चला था। मतलब लोग उसको कंफर्ट के लिए प्रेस करते थे क्योंकि बटन्स की प्लेसमेंट एंड रिस्पॉन्सिवनेस काफी अच्छी थी। बाकी यहाँ स्टीम डेक के कंपैरिजन में ये कैसे परफॉर्म करेगा वो तो टेस्टिंग के बाद ही पता लगेगा। बाकी यहाँ कुछ अच्छे फीचर्स भी आ गए हैं इस वाले नए वर्जन में, लाइक कंट्रोलर्स निकाल सकते हो, टीवी से डॉक कर सकते हो एंड मैग्नेटिक कीबोर्ड का सपोर्ट भी है। अब ये जो नेक्स्ट हैंडल्ड कंसोल है ये काफी यूनिक है क्योंकि ये चलता है क्लाउड गेमिंग पे। लॉजिटेक जी क्लाउड गेमिंग हैंडल्ड को बनाया है लॉजिटेक और टेंसेंट ने मिलके, एंड आप इसमें मोबाइल गेम्स एंड क्लाउड की मदद से ट्रिपल ए गेम्स भी खेल सकते हो। स्पेक्स की बात करूं तो स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर है, 64 GB की स्पेस एंड 7 इंच की 60Hz डिस्प्ले। ये एंड्रॉइड 11 पे चलता है तो हाँ प्राइमरीली मोबाइल गेम्स खेल पाओगे, बट ये स्टिल मोबाइल से डिफरेंट है क्योंकि आपको क्लाउड गेमिंग का सपोर्ट नेटिवली मिलेगा और साथ में कंट्रोलर्स भी। बाकी एक्सबॉक्स एंड निंटेंडो की क्लाउड एप्स भी प्री इंस्टॉल मिलती हैं। अभी सुनने में भले ही अच्छा लगे पर स्टीम डेक ने कम प्राइस पे कंसोल लॉन्च करके मार्केट को पेनिट्रेट कर दिया है एंड उसके सामने ये कंसोल इतना खास नहीं टिक पाता, बिकॉज स्टीम डेक $400 का आता है और ये $350 में। मतलब सिर्फ $50 का फर्क है, बट जो परफॉर्मेंस आपको मिल रही है स्टीम डेक में वो बहुत ज्यादा बेटर है। वैसे तो ये बहुत पुराना हो गया है, बट आई गेस इसे कर लेना चाहिए वीडियो में इंक्लूड क्योंकि ये पॉपुलर काफी हुआ था। प्लेस्टेशन पोर्टेबल मैंने खुद तो कभी नहीं खरीद के खेला, बट बचपन में काफी रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के पास देखा है इसे एंड बहुत मजा आता था इस पे YCD स्टोरीज एंड दूसरे गेम्स खेलने में। ये अपने टाइम पे हैंडल्ड कंसोल्स का बाप था, लाइफ टाइम में 75 मिलियन की सेल्स है इसकी। एंड जब मोबाइल फोन्स नहीं थे ना तब यही डिवाइस यूज होता था ऑन द गो गेम्स खेलने के लिए या फिर इवन मूवीज देखने के लिए। जो मेरी बात से रिलेट नहीं कर पा रहे तो बता दूं कि ये 2004 में आया था, मतलब आज से कितने साल पहले आप हिसाब लगा लो। वैसे क्या पता कि स्टीम डेक के बाद सोनी PSP 2 या फिर एक नया हैंडल्ड कंसोल बना दे। खैर अभी तो मार्केट में मेरे को कॉम्पिटिटर OneX Player और स्टीम डेक ही लग रहे हैं। अब वैसे तो और भी हैंडल्ड कंसोल्स हैं, बट मैंने
मैंने सिर्फ 5 ही बताए हैं। अगर आपका इंटरेस्ट लगा तो सेकंड पार्ट भी जरूर बनाऊंगा। बाकी पीसी और कंसोल में कंफ्यूज हो तो लेफ्ट वीडियो देखो, एंड अगर 2022 की बिगेस्ट टेक न्यूज जाननी है तो राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, टेक फॉर गेमर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।